ये कब का वाक़ा होगा वैसे, वाक़या जैसे कहते हैं? जी मेरे ख्याल से 1870 की बात है, तो मेरी उम्र कुछ 23 साल की थी। गदर की धूल बैठ चुकी थी, हाँ नया नया स्टेशन खुले थे, मनोहर कहानियाँ सुननी शुरू हो चुकी थी। जी जी, फिर क्या हुआ कहानियों के? अब तो मैं पहुँचा लखनऊ, मैंने कहा ठीक। फिर मैं आया बाहर, मैंने रिक्शा को रुकाया, भैया होटल मिलेगा? उनने कहा ठीक। मैंने अच्छे, मैंने कहा पैसे कितने पड़ेंगे? 200 का मिल सकता है, वो 300 का मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 300 में क्या लोगे? तो उसने कहा अच्छा, बोले पानी मिलेगा गरम, चाय मिलेगी। मैंने अच्छा, बोले अखबार ही मिलेगा। मैंने कहा ठीक। फिर मैं पहुंचा होटल, अच्छा साफ सुथरा कमरा था, लड़का ला के पीछे अटैची रख गया। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने अच्छा, तो बाहर गया, मैंने नहाया धोया फ्रेश हुआ, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद निकला बाहर सड़क पे, बड़ा ट्रैफिक। मैंने अच्छा, इतने में ऑटो रुका। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया चलोगे? मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अच्छा, लालबाग? मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अच्छा, लालबाग के लिए बैठे ऑटो पे, चलने लगा तो आगे रोक लिया पुलिस वाले ने। मैंने कहा अच्छा, रिक्शे वाले ने मेरे कहा कि ठीक है। तो पुलिस वाले ने बोला कि कागज आते हैं? तो रिक्शा वाला बोला अच्छा, उसने निकाले, पुलिस वाला बोला ठीक चलो। मैंने अच्छा, उसके बाद बाबूजी दिन भर काम किया, काम निपटा, बहुत थक गया, फिर ऑटो लिया। मैंने कहा ठीक। होटल पहुंचा, नहाया धोया फिर से प्रेस पर। मैंने अच्छा, मैंने घंटी बजाई, बेरा आया, बोला कुछ पीने को मिलेगा? बोले मिलेगा। मैंने क्या मिलेगा? बोले बियर पियेंगे। मैंने कहा ठीक। उन्हें अच्छा, तो एक बियर ले आया। मैंने कहा ठीक, ठंडी बियर थी, बियर पी। मैंने कहा अच्छा, इतने में घंटी बजी। मैंने अच्छा, तो दरवाज़ा खोला, एक बाहर लेडीज़ खड़ी हैं। मैंने अच्छा, तो लेडीज़ बोली भाई साहब कुछ पढ़ने को मैगजीन होगी। मैंने कहा ठीक। तो मैंने अटैची खोली, तुम्हारे की मनोहर कहानी। मैंने कहा ठीक। तो मैं लेके गया, मैंने कहा बेंच यही है। बोली ठीक है। मैंने कहा अच्छा, इसके बाद तक सब बाद में सुनाया जाए। भाई वाह क्या।